नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार सेन आज एक बार फिर आप सभी का नव भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, वो विशेष प्रश्न जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका रीट का हो या आपके पटवार का हो या कांस्टेबल का हो या आरएस का हो। ये एक ऐसा टॉपिक है त्योहार जहां से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। जिस भी सिलेबस में त्योहार है तो ये मान के चले कि जो मैंने जो क्वेश्चन सेटअप किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमें कंप्यूटर जी ने पहला क्वेश्चन दिया है कि बिना ईसर के गणगौर कहां पूजी जाती है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कि बिना ईसर के गणगौर कहां पूजा। देखो राजस्थान जो है, राजस्थान में त्योहारों का विशेष महत्व है और त्योहारों के अंदर भी जो गणगौर त्योहार है उस गणगौर का अपने आप में एक विशेष महत्व है। और ये जो गणगौर का त्योहार है, आपको पता है गणगौर के त्योहार में जब सवारी निकाली जाती है तो गणगौर के त्योहार में एक ईसर होता है, एक ईसर और एक गणगौर। ईसर भगवान शिव का प्रतीक और गणगौर जो है माता पार्वती का प्रतीक होती है। ठीक है, दोनों की साथ साथ में विवाह के साथ में जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं उस तरह से दोनों की सवारी निकाली जाती है। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पुटअप हो रहा है कि बिना ईसर के गणगौर कहाँ पूछ जाती है। तो एक ऐसा त्योहार जहां पर दुल्हन है, दूल्हा नहीं है, ईसर नहीं है, गणगौर तो है। ठीक है, तो बिना ईसर के, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो जोधपुर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है जयपुर भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर उदयपुर भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर क्यों है, क्या है इसके पीछे रीजन, आपको मैंने जब त्योहार पढ़ाया तो उसमें बताया था, लेकिन आपको पता होगा, मैं बता भी देता हूं कि जैसलमेर में एक बार क्या हुआ कि जैसलमेर और बीकानेर जो शासक थे उनके बीच में किसी बात को लेकर तनाव था और उस तनाव के कारण दोनों में आपस में रंजिश थी, आपस में मतभेद था, आपस में एक दूसरे की लूटपाट किया करते थे। तो बीकानेर के शासकों ने क्या किया कि अपनी पुरानी रंजिश को निकालने के लिए जैसलमेर में गणगौर के मौके पर जो ईसर था, ठीक है, उसको उठा करके ले गए कि देखे अब ये लोग कैसे गणगौर पूछते हैं। लेकिन जैसलमेर के जो उस समय के तत्कालीन राजा थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ईसर को वो ले गए तो हम तो बिना ईसर के भी गणगौर मना लेंगे। और वहां के राजा के द्वारा घोषणा की गई कि हम आज से बिना ईसर के ही गणगौर मनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने पुट किया और इसका राइट आंसर जैसलमेर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है कि किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर श्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है। श्याऊ माता ये राजस्थान विशेष का लोकल त्योहार है। ठीक है, और किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर श्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है। तो देखिए वो है आपके तुलसी एकादशी, तो बिल्कुल नहीं है। अश्विन की शुक्ल दशमी, तो ये भी नहीं है। ठीक है, गोवर्धन पूजा, तो ये भी नहीं है। तो फिर इसका राइट आंसर जो है वो है अहोई अष्टमी। इसको अहोई माता भी कहते हैं, इसको श्याऊ माता भी कहते हैं। एग्जाम में अहोई माता के नाम से भी पूछा जा सकता है और इसको श्याऊ माता के नाम से भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद कृष्ण 12 को मनाया जाता है। देखो तिथियां मैंने जब पढ़ाया था आपको तो तिथियां और तारीख दो अलग चीज है। तिथियां जो है यहाँ पर एकम को प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 12 है, ये 12 किसको इंडिकेट करता है, ये 12 इंडिकेट करता है बारस। किसको इंडिकेट करता है, बारस को इंडिकेट करता है। बारस जो है ये बारस को इंडिकेट करता है। और बारस जो है अगर हम देखें तो देखो तो यहां पर अन्नकूट में कहीं बारस आ रही है। अगर अन्नकूट का पर्व देखते हैं तो दिवाली के जस्ट बाद मनता है, दिवाली अमावस्या की आती है तो प्रतिपदा को मनता है। ये कब मनता है, अब ये जो बारस जो है, ठीक है, तो अन्नकूट जो मनाया जाता है तो अन्नकूट पता है, अन्नकूट तो प्रतिपदा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रतिपदा मतलब पड़वा को मनाया जाता है। तुलसी पूजन है तो ये एकादशी को होता है, ये होता है एकादशी को।
ठीक है। ढूंढ की बात करें तो ढूंढ तो होली पर लाया जाने वाला एक कोई विशेष तारीख नहीं है, इसकी कोई तिथि नहीं है, ठीक है, कभी ला सकते हैं। बच बारस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है बारस, तो बारस से हम क्या पहचानेंगे कि यहाँ पर तिथि 12 है और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारस। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, भादवी के महीने में कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है, जो बारस है, उस बारस को बच बारस के नाम से जानते हैं। और ये जो बच बारस का जो दिन है, इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। और बच्चों आपको बता दूं कि उस दिन फल चाकू से कटे हुए चीजों को नहीं खाया जाता, उस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और गाय से उत्पादित किसी भी पदार्थ को नहीं खाया जाता। उस दिन भी दूध है, मक्खन है, छाछ है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, अब हमारा क्वेश्चन है कि नारी चरित्र उत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है। तो नारी चरित्र उत्थान के लिए जो व्रत जो किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान में पुरुष और स्त्री जो है दोनों को बराबर महत्व है। और त्योहारों की बात करें तो बिना स्त्रियों के तो त्योहार ही फीके हैं। यहां पर नारी चरित्र उत्थान और वैधव्य दोष की बात की जा रही है, तो देखो यहां पर हरितालिका तीज व्रत है, ये भी नहीं है, कजली तीज है, स्त्रियों का त्योहार है, लेकिन इस दिन भी ऐसा नहीं है, अहोई नवमी है तो वो भी नहीं है। अगर लास्ट बचा तो वह अरुंधति व्रत, और अरुंधति व्रत जो है ये चैत्र माह में आता है, चैत्र माह में किया जाता है। ये व्रत स्त्रियां करती है अपने पतित्व, अपने सतित्व धर्म को निभाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दिन मौन व्रत करने की परंपरा है? अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो उनमें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि मौन जो रहना है, मौन रहना अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखता है, कि मौन रह करके हम हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर संयम करते हैं, ठीक है, और संयम करने से हमारी जो कैपेसिटी है वो डेवलप्ड होती है, वो जनरेट होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस दिन मौन व्रत करने की परंपरा है। तो मौन व्रत करने की जो परंपरा है वो है माघ अमावस्या, माघ महीने में, माघ महीने या माह का जो महीना आता है उसके अंदर जो अमावस्या आती है जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, इस मौनी अमावस्या को मौन व्रत करने की परंपरा है, मौन व्रत रखा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। मुस्लिम बंधुओं का भाईचारे का त्योहार कौन सा है? मुस्लिम बंधुओं का भाईचारे का त्योहार, देखो अब बात करते हैं, त्योहार तो सारे ही भाईचारे के होते हैं, लेकिन एक स्पेशलिटी यहां पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाईचारे का त्योहार, ठीक है। तो अब देखिए, शबे बारात भी मुस्लिम त्योहार है, ईद उल जुहा भी मुस्लिम त्योहार है, शबे कद्र भी मुस्लिम त्योहार है, और ईद उल फितर भी मुस्लिम त्योहार है। ईद उल जुहा और ईद उल फितर दोनों को हम ईद कहते हैं, एक बकरा ईद के नाम से जान जाती है, बकरीद कहते हैं उसे, एक को मीठी ईद कह जाते हैं या सिवैया वाली ईद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ईद उल फितर जो है, ईद उल फितर इसका राइट आंसर है, और ईद उल फितर जो है उस दिन आपस में गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयां दे करके, जैसे हिंदू धर्म के अंदर दिवाली के दिन आपस में एक दूसरे को गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, ठीक है, राम राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर के दिन आपस में एक दूसरे को गले मिल करके आपस में भाईचारा के निभाते हुए उनसे नमस्कार, जय राम जी की जो भी होती है की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैनियों के किस त्योहार को 10 दिन तक मनाया जाता है? अभी हमने बात की थी मुस्लिम धर्म की, अब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का जो त्योहार है, देखिए, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, क्षमा दिवस और पर्युषण। तो सबसे पहले जैसे बुद्ध जयंती है तो ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अगर हम बुद्ध जयंती की बात करें तो बुद्ध जयंती तो वैसे ही क्रॉस हो गई, ठीक है, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं महावीर जयंती की, तो ये महावीर जयंती है, ये जैन धर्म से तो है,
लेकिन 10 दिन तक की बात की जा रही है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो 10 दिन की बात हो रही है, तो 10 दिन तक जैन महावीर जयंती भी नहीं मनाई जाती। क्षमा दिवस की बात करते तो क्षमा दिवस जो है वो 1 दिन मनाया जाता है, न कि 10 दिन। तो क्षमा दिवस भी 10 दिन तक नहीं मनाया जाता, लेकिन जो पर्युषण जो पर्व है, पर्युषण जो पर्व है ये 10 दिन तक मनाया जाता है जैन धर्म के द्वारा, ठीक है। और अंत में जो है वो क्षमा दिवस मनाया जाता है इन 10 दिनों के अंत में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? अब यहां पर बात कर रहे हैं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये स्पेशली ऋषि पंचमी के दिन दो चीज हम पकड़ने की है, एक तो है ऋषि पंचमी और एक है रक्षाबंधन। अगर रक्षाबंधन वैसे देखे तो श्रावण महीने में आता है, ठीक है, लेकिन ऋषि पंचमी श्रावण में न आकर के भाद्रपद में आती है, ठीक है। अब भाद्रपद में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है तो किस समाज के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है? तो यहां पर बता दूं कि ब्राह्मण तो हिंदू धर्म में ही आ रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण तो उस दिन मनाते हैं, तो ब्राह्मण तो नहीं है। अगर हम बात करें वैश्य की तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों तो एक ही जगह पे इंक्लूड हो रहे हैं, एक ही समाज के वर्ण है। बात करें माहेश्वरी समाज की तो माहेश्वरी समाज इसका राइट आंसर है, और माहेश्वरी समाज जो है वो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हाँ अभी हमने बात की थी कि स्त्रियों के बिना त्योहार फीके हैं। स्त्री और पुरुष ईश्वर की दो विशेष कृति है जो एक दूसरे के लिए बनाई गई है। हाँ अगर मैं बात करूं कि स्त्रियां मातृशक्ति जो है उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनके बिना ये जीवन अधूरा है, ये समाज अधूरा है, ये सारी परंपराएं उनके बिना अधूरी हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार, जो त्योहार स्त्रियों को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप देखो त्योहार तो सारे ही यहां पर जो दिए गए हैं वो प्यारे हैं। शरद पूर्णिमा को मैं मान सकता हूं, चलो ये स्त्रियों को इतना प्यारा नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है, इसका संबंध चंद्रमा से है। लेकिन अगर बात करें श्रावणी तीज, तो श्रावणी तीज का संबंध भी महिलाओं से है, इसका संबंध महिलाओं से है। अगर रूप चतुर्दशी की बात करूं तो इसका संबंध भी महिलाओं से है, और करवा चौथ की बात करूं तो इसका संबंध भी महिलाओं से है। तो सबसे पहले हमने एक इसको तो क्रॉस किया कि ये तो कभी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास में तीन, कि तीन त्योहार है। अब इन तीन त्योहार में से कौन सा सबसे लोकप्रिय है? तो देखिए त्योहार आता है रूप चतुर्दशी, तो रूप चतुर्दशी है, इस दिन क्या होता है, इस दिन महिलाएं मेकअप करती हैं, सज धज करके रहती हैं, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह पहनती है, ठीक है। और श्रावणी तीज की बात करते तो इस दिन महिलाएं झूला झूलने के लिए बागों में जाती है, तो ये दोनों त्योहार भी महिलाओं को प्रिय तो है। लेकिन बात करते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ की अगर हम बात करें तो करवा चौथ जो है ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं अपने पति के लिए समर्पित होती है, ठीक है, और खास तौर से जो विवाह की पहली करवा चौथ होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और एक स्त्री जो है, एक लड़की जो है, वो एक सपना देखती है कि मेरे जीवन की पहली करवा चौथ कब आएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय जो त्योहार होता है वो कौन सा है? करवा चौथ इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। सीधा सा क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा ऑब्वियसली पूर्णिमा को मनेगी, तो पहली बात तो यहां पर पूर्णिमा ही तिथियां दे रखी है, अगर और कोई तिथि होती तो हम उसको पहले क्रॉस करते, लेकिन तिथियां इसमें सारी पूर्णिमा है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा यहां पर नहीं होगी, भाद्रपद पूर्णिमा है तो ये भी नहीं है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है तो ये भी नहीं है, लास्ट में बची क्या है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जो है ये बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। आगे चलते हैं।
श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाने वाला त्योहार। हाँ, वीडियो में जब मैंने त्योहार पढ़ाए थे इस चीज को बहुत गौर से इंडिकेट करके बताया था कि यहाँ पर कई बार कई जगह कई बुक्स में कई वीडियोज में आपको डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। श्रावण कृष्ण पंचमी, देखिए श्रावण कृष्ण, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ये त्योहार जो है ये कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। अगर देश के संदर्भ में बात करेंगे तो ये त्योहार कृष्ण की जगह किस में बदल जाएगा? शुक्ल में बदल जाएगा। अगर हम यूपीएससी की बात करें या देश के संदर्भ में बात करेंगे तो देश में संदर्भ में त्योहार शुक्ल पक्ष बदल जाएगा, लेकिन राजस्थान में इस त्योहार को कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष को पंचमी के दिन रक्षाबंधन तो नहीं मनाया जाता, क्योंकि रक्षाबंधन तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बात करें बसंत पंचमी की, ये पंचमी तो है लेकिन इस दिन मनाया नहीं जाता, क्योंकि बसंत पंचमी तो बसंत उत्सव में आता है, चैत्र के महीने में आती है। ठीक है, बात करें ऋषि पंचमी की तो ऋषि पंचमी भी यहां पर नहीं है। ये है इसका राइट आंसर, और वो है नाग पंचमी है। तो नाग पंचमी मैंने बताया था कि श्रावण के महीने में बारिश का मौसम आ जाता है, बारिश की ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु के कारण सांपों के बिलों में पानी भर जाता है और सांप जो है हमारे घरों की ओर न आए, और घरों की ओर आए तो ऐसी कोई गलती से हमें कोई डस ना ले, हमें खा ना जाए, इसलिए हम पहले ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यह है नाग पंचमी और मनाया जाता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़े से देखने की आवश्यकता है कि ताजिए को आपको पता है, ध्यान भी होगा आपको कि ताजिए जो है इन ताजियों को मुहर्रम भी कहा जाता है। इन ताजियों को क्या कहते हैं? मुहर्रम भी कहते हैं। इन ताजियों को हम क्या कहते हैं? मुहर्रम। ताजी और मुहर्रम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि ताजी जो है वो मुहर्रम में निकलेंगे, 12 वफात में नहीं निकलेंगे, ईद उल जुहा पे तो ईद मनाई जाएगी, शबे बारात पे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मुहर्रम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बड़ी तीज, हाँ बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन, पटवार से लेकर के कांस्टेबल से लेकर के आरएस और आईएएस तक में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, जाने कितने नाम है। ऐसे कहते हैं कि जिसके ज्यादा नाम होते हैं ना वो उतना ही लाडला होता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत लाडला है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। अब बड़ी तीज कब मनेगी? बड़ी तीज जो है उसकी हम बात कर रहे हैं तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया श्रावण। अब राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बड़ी तीज, देखो यहां पर बात कर रहे हैं बड़ी तीज, तीज तीज त्योहारों को लेकर के आती है, गणगौर त्योहारों को ले डूबती है, बहुत पुरानी परंपरा कहावत के रूप में जानी जाती है। और हम बात कर रहे हैं तीज, तीज से जुड़ा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो और तीज से जुड़ा क्वेश्चन ना आए ये तो बड़ा विस्मयकारी सा हो जाता है, क्योंकि तीज से जुड़ा क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है। अब बड़ी तीज की बात कर रहे हैं, एक तो तीज और दूसरा क्वेश्चन है बड़ी तीज। इस बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, है ना, बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। अब बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात कर रहा सबसे पहले तो क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक तो ये निस्वार्थ प्रेम के रूप में, निस्वार्थ प्रेम, एक इसका रीजन जो है वो निस्वार्थ प्रेम के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहता है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए 108 बार जन्म लिया और 108वीं बार वो भगवान शंकर को प्राप्त करने में सफल हुई। ठीक है, तो उनके निस्वार्थ प्रेम के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। दूसरी इसके पीछे जो घटना एक मानी जाती है वो ये है कि जयपुर की जो तीज माता की जो सवारी है वो फेमस है। एक बार बूंदी के जो गोहड़ा के जो राजा थे उनके किसी मित्र ने उन्हें कहा कि
जयपुर में जैसे तीज की सवारी मनती है, वैसे तीज की सवारी अगर अपने यहां भी निकाली जाए तो बड़ी शान की बात होगी। और ऐसा कहते हैं कि बूंदी के राजा को वो बात एक तीज की तरह चुभी और उसने मन बनाया कि अगर जयपुर की तीज का ही अपहरण करके, जीत करके उसको अगर यहां पे लाई जाए और फिर उसकी सवारी निकाली जाए तो वो आन बान और शान की बात होगी। तो बूंदी के जो राजा थे उन्होंने प्लान बनाया और अपनी योजना के अनुसार जयपुर में जिस दिन तीज की सवारी निकल रही थी उस दिन आकर के आक्रमण किया और उस तीज को उठा करके कहां ले गए, बूंदी ले गए। ठीक है, और उस तीज के जस्ट 15 दिन बाद, सावन की जो तीज आती है उसके जस्ट 15 दिन बाद जो है भाद्रपद कृष्ण की जो तृतीया आई, उस भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बूंदी में हर्षोल्लास के साथ में वो तीज मनाई गई। तो उस तीज को वहां पर बूढ़ी तीज कहा गया या कजली तीज, सातुड़ी तीज के रूप में भी मनाया जाने लगा और तब से ये त्योहार है ये बूंदी के अंदर मनाया जाने लगा है। तो हम बात कर रहे हैं कि बूढ़ी तीज, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ मनाया जाता है, तो बूंदी, और कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी महिलाओं के और महिलाओं का लोकप्रिय त्योहार, तब हमने करवा चौथ की बात की थी। अब महिलाओं का दूसरा जो सबसे फेमस जो है जिसमें महिलाएं गीत गाती, क्योंकि जब तक महिलाएं गीत नहीं गाए ना, गाना नहीं गाए, तब तक त्योहारों का मजा ही फीका रहता है। तो इसलिए बात करें कि सबसे ज्यादा गीत वाला त्योहार, अब जब बात गीतों की कर रहे हैं, बात जब गीतों की कर रहे हैं तो देखिए गीत तो हर त्योहार पर गाए जाते हैं, वो तीज पर भी गाए जाते हैं, गणगौर पर भी गाए जाते हैं, होली पर भी गाए जाते हैं, दिवाली पर भी गाए जाते हैं, सभी त्योहारों का संबंध गीतों से है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सर्वाधिक की। और सर्वाधिक की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक के मामले में यहां पर देखिए गणगौर जो है, इस गणगौर पे सबसे ज्यादा त्योहार गीत गाए जाते हैं। क्यों गाए जाते हैं, रीजन भी है, क्योंकि गणगौर जो है 16 दिन की पूजी जाती है। ठीक है, 16 दिन की गणगौर मनाई जाती है, इसलिए जो ये त्योहार है, अब 16 दिन तक लगातार महिलाएं गीत गाएंगी तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, संख्या तो बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली सर्वाधिक गीत वाला जो त्योहार कहा जाता है वो कहा जाता है गणगौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? जब मैंने वीडियोस बनाए थे त्योहार के ऊपर तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से की थी। और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ने शक संवत, मैंने बताया था कि शक संवत और विक्रम संवत और तीसरा था ग्रेगेरियन कैलेंडर। ठीक है, मैंने कहा था शक को लाइफ से निकाल दो, एक ट्रिक बताई थी आपको। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया यहां पर ये बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो इसको अपनाया गया था वो दिन था, वो शुभ दिन था, 22 मार्च 1957 का दिन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? हाँ, अब तक जो सिंपल क्वेश्चन आ रहे थोड़े से लेवल अलग था, अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ गया है और यहां पर दिया गया है कि सही कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो आप इस पे फोकस करें कि ये क्या कह रहा है, सही है, ध्यान रखना यहां पर कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है, कई जगह सही नहीं होता है, कई जगह सही लिखा होता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया, तो इसमें बात बिंदु है तृतीया की, देखो तृतीया है, देखो इधर भी तृतीया है, तो ठीक है मान रहे हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, हाँ हो सकता है। दूसरा है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी पता है जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उस महीने में निर्जला एकादशी आती है, जब आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता और तभी पानी के बिना रहा जाए उस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। तो बात कर रहे हैं कि निर्जला एकादशी तो ज्येष्ठ मास, तो ये भी कुछ हद तक सही लगता है, एकादशी भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक बार, चार ऑप्शंस देखते हैं। तृतीय अक्षय तृतीया को देखते हैं, अक्षय तृतीया यहां पर चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, तो यहां पर चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया की बात करते हैं तो उस समय पे गणगौर आती है। क्या आती है उस समय पे, गणगौर आती है। यहां पर अक्षय तृतीया पे क्या आती है, गणगौर आती है, अक्षय तृतीया नहीं आती, गणगौर आती है यहां पर। ठीक है, अच्छा
बात करते हैं निर्जला एकादशी की, तो यहां पर कह रहा आषाढ़ मास, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये एकादशी निर्जला एकादशी नहीं मनाई जाए। तो हमारे सामने ये तो क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, बच्चे कितने, एक आंसर और दो आंसर हमारे लिए सही है। तो इसका राइट आंसर देखो कौन से में है, तो ये है राइट आंसर बी, एक और दो इसका सही कथन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न शक संवत के अनुसार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई, जी हां, इसके मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी इसके मामले के मामले में, इसके बारे में, कि यह है चैत्र और ये है मार्च। चैत्र महीना लगभग मार्च और अप्रैल में रहता है। कब रहता है? मार्च और अप्रैल में। तो आप काउंट कर सकते हैं चैत्र, या जून की बात की जा रही है तो देखिए मार्च अप्रैल मई जून तीसरा महीना है। ठीक है, जून और जुलाई चौथा महीना की बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। देखिए मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून और जून जुलाई। अब बात कर रहे हैं जून, जून और जुलाई की बात चल रही है, मतलब 22 जून का मतलब क्या है? एंडिंग टाइम ऑफ जून, ठीक है, लास्ट वीक है उसका, और इसका मिड है। तो यहां पर जून जुलाई किस में आ रहे हैं? तो यहां पर जून जुलाई आ रहे हैं आषाढ़ के महीने के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आषाढ़। तो भाद्रपद नहीं होगा, चैत्र नहीं होगा, ज्येष्ठ नहीं होगा। वैसे भी आपको पता होगा जून जुलाई में, जून के लास्ट वीक में बारिश जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है, और जुलाई के महीने में जो है वो बारिश चलती है, तो आषाढ़ के महीने के अंदर बारिश आ जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में घुडला त्योहार कब मनाया जाता है? तो घुडला त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल अष्टमी को, नहीं मनेगा, श्रावण शुक्ल अष्टमी जो है, श्रावण शुक्ल अष्टमी को त्योहार नहीं मनता, श्रावण कृष्ण अष्टमी को भी नहीं मनता, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भी नहीं मनता, ये त्योहार मनता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और गुडला खां और महलू खां नाम के जो मुस्लिम आक्रांता थे उनकी गर्दन काट करके जोधपुर के शासक जो थे वो ले आए थे, उनकी उपलब्धि के कारण, उनके खुशी के कारण ये घुडला त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो हमने बात की कि घुडला त्योहार, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बहुओं द्वारा रूठी हुई सास को मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? देखिए सास भी कभी बहुत ही, बहू और सास में लगभग हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है, कि रूठना और मनाना चलता रहता है, जहां रूठना मनाना होता है वहां प्यार भी होता है। ठीक है, वो घर ही का क्या जहां पर रूठना और मनाना नहीं चलता हो। तो बात कर रहे हैं कि बहुओं के द्वारा रूठी हुई सास को मनाया जाने वाला त्योहार क्या कहलाता है? देखिए ऐसा नहीं है कि साहब अगर कोई सास रूठ जाए तो उसके लिए इस त्योहार का ही इंतजार करते हैं, पता चले कि दिसंबर में कोई सास रूठ गई तो पता चले त्योहार जब आएगा साहब हम तो तभी मनाएंगे, तब तक सास को नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पेशली एक त्योहार समर्पित किया गया, एक परंपरा के रूप में समर्पित किया गया कि ये त्योहार हमारी सास को समर्पित है, हमारी जो बड़ी है, हमसे जो बड़ी है उनको समर्पित है। तो ये जो त्योहार है ये देखिए बसंत पंचमी तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो माता सरस्वती को समर्पित है। बात करें लोहड़ी तो ये त्योहार भी नहीं है, तिल चौथ है तो ये भी नहीं है, बचा कौन सा त्योहार? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो त्योहार है
ये मकर संक्रांति का त्योहार बहुओं के द्वारा सास को मनाने के लिए, क्योंकि वैसे भी दान पुण्य का त्योहार होता है, इस दिन बहुएं जो होती है वो कल्प करके 14 वस्तुएं जो सुहागिन स्त्रियां होती है उनको देती है, ठीक है, और स्पेशली अपने सास को जरूर देती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिजरी संवत का अंतिम महीना, जी हाँ, जैसे हमारे विक्रम संवत शक संवत में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिजरी संवत में भी 12 महीने होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हिजरी संवत का अंतिम महीना, तो ध्यान रखना पहला महीना मुहर्रम होता है और अंतिम महीना जिलहिज का होता है। कौन सा होता है? जिलहिज का, ठीक है। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर यह हमें बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि धुलंडी जो होली जो है, होली के जस्ट दूसरे दिन ही त्योहार मनाया जाता है, और होली का जो त्योहार मनाया जाता है वो होली तो आती है फाल्गुन में। होली कब आती है? होली तो आती है फाल्गुन में, ठीक है, होली तो फाल्गुन में आती है, लेकिन धुलंडी जो इसके दूसरे दिन आ रही है, ये धुलंडी कब आ रही है? तो ये धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एकम, क्योंकि ये होली जो है ये फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन ये जो होली है वो मनाई जाती है, और पूर्णिमा के दिन जो फाल्गुन महीना वो समाप्त हो गया, तो नया महीना कौन सा लग गया? चैत्र, और चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा या एकम जो है वो धुलंडी के लिए जाना जाता है। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? देखिए, त्योहारों की शुरुआत अगर क्वेश्चन बनता है तो त्योहारों की शुरुआत वाला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा तीज से, कि गणगौर तो खत्म करती है और तीज लेके आती है। गणगौर के बाद त्योहार समाप्त से हो जाते हैं, बहुत कम आते हैं, और तीज के बाद त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन बात करते हैं कि हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत, तो हिंदू धर्म में जो मांगलिक कार्यों की जो शुरुआत है, तो ये मांगलिक कार्यों की शुरुआत मांगलिक कार्यों की जो शुरुआत है तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत जन्माष्टमी के साथ तो नहीं होती, क्योंकि जन्माष्टमी को तो कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, बसंत पंचमी को माता सरस्वती जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, नवरात्रि को नव दुर्गाओं का स्तुति की जाती है, और ये जो देवउठनी जो एकादशी है, देवसैनी से समस्त मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं और देव उठनी से समस्त मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये हमने समझे, ये हमने जाने, ये हमने सीखे क्वेश्चंस के रूप में त्योहारों को, और हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको समझा, उनको एक एक करके देखा, उनको याद किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।